हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2018 की तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म सामी स्क्वेयर का, जिसको हिंदी डब्ड वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है हरी ने। मूवी के लीड रोल में है विक्रम, कीर्ति सुरेश और बॉबी सिम्हा। मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में प्रभु, ऐश्वर्या राजेश, सूरी और जॉन विजय। तो चलिए बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। रामासामी यानी कि विक्रम एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, जिसने अपने बचपन में ही अपनी फैमिली को खो दिया है। अब वो बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को ढूंढ रहा है जिसने उसके फैमिली मेंबर को मारा था। किसी एक अच्छे दिन दिया यानी कि कीर्ति सुरेश रामासामी से मिलती है और वो उसे पसंद करने लगती है, क्योंकि कुछ गुंडों से रामासामी ने दिया को बचाया था। कुछ टाइम के बाद आखिर में किसी तरह से रामासामी को पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर किसने किया था, और इस मर्डरर में रवना यानी कि बॉबी सिम्हा और उसका भाई शामिल है। अब वो एक एक करके उन सभी का शिकार करने लगता है। क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगा और इस प्रोसेस में उसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। ये तो हुई मूवी की स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की। चियान विक्रम ने सिंसियर पुलिस ऑफिसर के रोल में एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी हुई है। उनका अग्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनका लुक डायनेमिक था फिल्म में और उन्होंने प्रूव किया है कि वो ऐसे किरदार आसानी से निभा सकते हैं। कीर्ति सुरेश को फिल्म में कम स्क्रीन प्रेजेंस मिला था, लेकिन वो फिल्म में बहुत ही प्रिटी दिख रही थी। अपने इस छोटे से रोल में उन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है। अपने इस किरदार में उन्होंने अपनी एक्टिंग एबिलिटी को आसानी से प्रूव करके दिखाया हुआ है। फिल्म में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। विक्रम और बॉबी सिम्हा के बीच में कुछ टकराव वाले सीन्स काफी इंप्रेसिव थे, और ये सभी सीन्स फिल्म के एक्साइटमेंट फैक्टर को और भी बढ़ाते रहते हैं। सपोर्टिंग कास्ट ने फिल्म में नेचुरल परफॉर्मेंस दी हुई है और उनकी ये परफॉर्मेंस फिल्म को एक रियलिस्टिक टच देती है, और उनकी परफॉर्मेंस से एक पॉजिटिव वाइब्स आती रहती है। ये तो है मूवी के प्लस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के माइनस पॉइंट्स की। आजकल के जमाने में जहां पे लोग कंटेंट को हीरो मानते हैं, वैसे टाइम पे डायरेक्टर हरि ने वही टिपिकल मसाला एंटरटेनमेंट वाली फिल्म बनाई है। डायरेक्टर ने फिल्म को वही रूटीन रिवेंज ड्रामा स्टाइल में नैरेट किया हुआ है, और उस वजह से उन्होंने फिल्म के फाइट सीक्वेंस को भी ओवर द टॉप करके बिगाड़ा हुआ है। फिल्म में लगभग 4 से 5 कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा लंबे और उतने एंटरटेनिंग नहीं है, और इस मीनिंगलेस कॉमेडी की वजह से आप धीरे धीरे इरिटेट हो जाओगे। ये तो है मूवी के माइनस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में। डायरेक्टर ने फिल्म को आज से 15 साल पहले की मूवी के हिसाब से डायरेक्ट किया हुआ है, जिसमें आपको वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन और रूटीन एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही ज्यादा लाउड रखा गया है। फिल्म में कैमरा मैन ने बहुत ही बढ़िया शानदार काम किया हुआ है, जिसकी वजह से फिल्म के विजुअल्स काफी अच्छे और एट्रेक्टिव नजर आते हैं। ये तो है मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की। कुल मिला के कहे तो सामी स्क्वेयर एक रूटीन एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। विक्रम ने पुलिस ऑफिसर का किरदार शानदार तरीके से निभाया हुआ है, आप उनसे आसानी से इम्प्रेस हो जाओगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही बेमतलब ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस फिल्म को थोड़ा ज्यादा कमजोर बनाते हैं। तो मैं इस एक्शन ड्रामा फिल्म सामी स्क्वेयर को 5 में से 3 की रेटिंग देता हूं। अगर आपको ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस और मास मसाला एंटरटेनमेंट वाली फिल्में पसंद हो तो आप इस फिल्म को आजमा सकते हो। अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो आपको इस फिल्म में वो बेहतरीन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो और भी ऐसे साउथ इंडियन मूवी के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।